हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको नीटिंग से संबंधित कुछ बताने वाले हैं। मैंने सोचा मैं इसमें आपको सबसे शुरू में फंदे डालना बताती हूँ, फंदे कैसे डालते हैं। तो देखिए, ये सिंपल जो फंदे होते हैं उसको हम कैसे डालते हैं। आपने ऐसे कर लेना है इसको पकड़ के, और इसको इस तरह से किया, और आपका जो रनिंग में है उसको ऐसे आप फंदा बना के इस तरह डाल दिया। इस पर एक नॉट लग जाती है, ये हम इसको इस तरह से डाल लेते हैं। और उसके बाद सिंपल फंदे जो होते हैं जिनसे हम डबल बॉर्डर भी बनाते हैं, उनको हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये इस तरह से पलटना है और यहाँ से सिलाई में डालना है, और ये इस तरह आपके फंदे डल के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, आप जैसे चाहें ढीला टाइट उस हिसाब से डालें, लेकिन ये बुनाई में नहीं आते, ये हम जो बॉर्डर डबल करके बनाते हैं उसमें काम आता है। तो हम इसको आप ये देखिए, इस तरह से आपके फंदे हो जाएंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम आपको दूसरा सिखाते हैं। जो नॉर्मल फंदे हम डालते हैं उसमें हम डबल करके डालेंगे, धागे को हम ऐसे डबल कर लेंगे। ये देखिए, ये 15 इंच के आसपास मैंने डबल कर लिया है, इसमें 10 से 15 फंदे आराम से डल जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पर इसको जहाँ तक इसको फोल्ड किया है, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको गांठ लगाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम पहले यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे, और वो गांठ हमारे बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। ये देखिए, हमारी गांठ लग गई है। तो अब हम सिलाई लेंगे जिसमें आपको फंदे डालने हैं। ये मैंने 10 इंच में 10 नंबर वाली जो हमारी ये सिलाई है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो हम नॉर्मली 12 जो नंबर की जो सिलाई होती है उसमें हम इसको डालते हैं बॉर्डर के फंदों को। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर ये आपकी गांठ है यहीं से आपको इसमें इस तरह से एक राउंड बना लेना है इस तरह से। और इस तरह से राउंड बनाने के बाद में आपको जो सिंगल वाला धागा है उसको इसमें से निकालना है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा एक फंदा बन के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको इसमें डालेंगे और इस तरह से इसको, गांठ हमारी इसी पर आनी चाहिए, और हम इनको ऐसे खींच देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बन के तैयार हुआ इसमें। बाकी आप जैसे भी जितने भी फंदे आपको डालने हैं, इसको हम इस तरह से भी देखिए, यहाँ से ऐसे करेंगे, और इसको हमने ऐसे डाला, और ये हमने यहाँ से सिंगल को इसके ऊपर घुमाया और वापस इसको निकालेंगे। तो सिंगल को आपको पकड़ के रखना है और इसको हमें इस तरह से खींच देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हम ऐसे डालेंगे और इस तरह से, इसको निकालना नहीं अभी, इसको इसके ऊपर से डालेंगे, और इसके बाद इसको इस तरह से, ये देखिए आप देख रहे हैं हमारे तीन फंदे तैयार हो गए। इस तरह से हम इसको, ये आपके इस तरह से फंदे डलते जाएंगे। वैसे भी आप, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आपको अच्छा ठीक से नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप ये क्या करें, जो सिंगल वाला हमारा है धागा है उसको हम कहीं पे ऐसे अटका देंगे किसी भी जगह में, या फिर बहुत सी लेडीज़ तो पैर के अंगूठे में भी डालते हैं, तो उसको ऐसे करके टाइट में आपको इसको रखना है सामने की तरफ। और वो टाइट में रखने के बाद में आप इसको, ये जी डबल वाला है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, और इसको ये देखिए, इसको हमने ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, और यहाँ से इसको उंगली से इस तरह से पकड़ेंगे, और ये हमारा फंदा तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं इस तरह से आपको ये इस तरह हाथ चलाना है, और ऐसे इसमें फंदा सिलाई में पकड़ लेना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा ऐसे करके, यहाँ से देखिए ऐसे किया, और इसको ऐसे किया, और ये उंगली के बीच से हम इसमें सिंगल वाला, बहुत अच्छे से आप डाल पाएंगे इस तरह से फंदे। ये सिंपल फंदे हैं, ये देखिए, इससे हम बॉर्डर बना लेंगे इस तरह, और जितने भी आपको फंदे डालने हैं वो आप डालते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाता है। अभी एक इसमें ये सिंपल बॉर्डर हो गया, हम आपको बताते हैं दूसरा वाला बॉर्डर। शुरू में हमें ऐसे ही करना है, ये जो गांठ है इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ से आपको इसका एक फंदा बना लेना है और उसको सिलाई में डालना है और ये इसको खींच देना है। एक फंदा यहाँ पर हमारा बन के तैयार हुआ। उसके बाद आप क्या करेंगे ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको दूसरा अलग से बॉर्डर बता रही हूँ। जो अभी पहले बताया था वो सिंपल वाला था, इसमें आपको सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक फंदा इस तरह डालना है। ये देखिए हो गया जो हमने अभी पहले बताया आपको। और फिर क्या करना है, उल्टा डालना है, उल्टा बनाना है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से, ये देखिए पहले ऐसे घुमाया था, अभी हम ऐसे घुमाएंगे, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर ऐसे फोल्ड होके आया है। तो इस तरह से फिर हम दूसरी तरह करेंगे जो हमने, और अब इसके अपोजिट करेंगे। तो हमें एक एक करके ये इस तरह से बना लेना है और आपको ये ऐसे बराबर खींचना है। ये देखिए ये मैंने जो आपको सिंपल वाला बताया था पहले वो डालना है, फिर इसको उल्टा घुमा के आपको ऐसे करना है और ये आपका बॉर्डर डल जाएगा। पहले इस तरह डालेंगे, फिर इसको ऐसे घुमा के डालेंगे। एक बार आपको सीधा डालना है, एक बार घुमा के इसको करना है, तो ये डिज़ाइन इसमें बन के आ जाएगा। और ये वाला बॉर्डर जल्दी से ढीला भी नहीं होता है और इसको आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से गांठ बन बन के आया है ये यहाँ पर नीचे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो हमने डबल किया है इसको हम फोरबल करके भी पहले गांठ लगा लेंगे लंबा, इसको धागे को करना है आपको, और उससे जब आप डालेंगे इसको तो ये और भी मोटा ये चीज़ इसका आएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से डालना है। फोरबल कैसे करना है आपको इसको, ये जो धागा, आप इसे थ्री प्लाई भी कर सकते हैं, ये टू प्लाई हो गया। हम इसको तीन बार भी कर सकते हैं और चार बार भी कर सकते हैं, मैं आपको चार बार करके दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए इसको ऐसे दूसरे ऊन से हम बताते हैं आप। ये देखिए ये वाला है, इसको हमने ऐसे, अब आपको क्या करना है, जितना आपको लंबा चाहिए इसमें डालने हैं फंदे, उससे आपको इसको डबल, पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको फोरबल कर देना है। ये देखिए जितना लंबा मेरे पास ये अभी है तैयार, इसमें आपके 15 से 20 फंदे डल जाएंगे। ये 14 इंच के आसपास है लंबाई इसकी। ये देखिए इसमें आपको इस तरह से गांठ लगा देना है जैसे हमने डबल वाले में लगाया था, उसी तरह से इसको पहले गांठ लगा लेंगे आराम से। और गांठ हमारा बिल्कुल यहीं पे होना चाहिए जहाँ पर इसकी छोर है। ये देखिए ये गांठ लगा लेंगे, उसके बाद में हम अब इसमें उसी तरह से आपको इसको बनाना है, इस तरह से एक फंदा बना लेना है पहले। ये देखिए ये एक फंदा बन के तैयार हो गया है, ये फंदा बन के तैयार होने के बाद में आपको इसको इस, ये सीधा फंदा डाला है तो हम इसको ऐसे अपोजिट में डालेंगे इस तरह। देखिए उसके बाद में फिर सीधा फंदा डालेंगे, ये देखिए फिर उल्टी तरफ से इसको घुमा के डालेंगे, हम अपना हाथ ऐसे उल्टा घुमाएंगे और इसको फंदे को डालेंगे।
और इस तरह से इसको बराबर से खींचना है, कोई भी धागा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर सीधा डालेंगे इसको इस तरह से, जो नॉर्मल वाला फंदा है उस तरह। और फिर इसको ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है और इसको ऐसे उल्टा घुमाया है और इसको इस तरह से। इस तरह से आप डालते जाएंगे ये फंदे तो बहुत टाइट हो जाते हैं। धीरे धीरे हम इनको फर्स्ट सिलाई बुन लेते हैं, उसके बाद ये अच्छे से बुन देते हैं इसको। और ये बहुत ही अच्छा लगता है बॉर्डर बनने के बाद में, और ये कभी जल्दी से ढीला भी नहीं होता है बॉर्डर हमारा, खिंचता नहीं है। बाकी बॉर्डर ढीले हो जाते हैं पहनने के साथ साथ, ये कभी ढीला नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए अगर आगे पीछे हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको हम इस तरह से खींच खींच के देख लेंगे, बराबर होना चाहिए। ये देखिए डल गया है, आप देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। मैंने इसके देखिए ये बॉर्डर मैंने इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, और ये खुलेगा भी नहीं जल्दी से। इसमें जो डिज़ाइन डला है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, पहले हम बॉर्डर डालना ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल बॉर्डर कैसे बनाते हैं जो इस तरह से फोल्ड दिखता है वो मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।